सुबह 8 बजे। वैसे एक अपडेट देती हूँ मैं आपको, जनाब ने ना अभी अभी एक फ्रेश ताजा टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि इनको उठना था सुबह 4 बजे और अभी बज चुकी है 8 और इनकी बज चुकी है बैंड। किसी ने इनसे बस कह दिया कि सुबह उठ के पढ़ाई करो बेटा, बहुत प्रोडक्टिवली बहुत फ्रेश पढ़ाई होती है। तब से लेकर पिछले 10 दिन से ये रोज सुबह उठने की कोशिश कर रहे हैं पर सुबह तो नहीं उठ पाते, और दिन भर वो आलस के मारे, स्ट्रेस के मारे, नींद के मारे इनसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए रोज एक नया टाइम टेबल बनाते हैं। अरे कितनी बार इनसे बोल बोल के थक चुकी हूँ। हर स्टूडेंट का अपना प्रोडक्टिव जोन अलग होता है, किसी से रात में पढ़ाई होती है, किसी से सुबह में पढ़ाई होती है। जस्ट बिकॉज somebody else इज डूइंग, जस्ट बिकॉज इट्स वर्किंग आउट फॉर समथिंग somebody else, doesn't necessarily mean it is going to work out for you. जैसे मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे सब फ्रेंड्स रात को पढ़ाई करते थे और मैं सुबह उठ के पढ़ाई करती थी 3 बजे। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स 3 बजे सोते थे और मैं 3 बजे उठती थी, बिकॉज मुझसे नहीं होता था यार। सुबह खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। दोपहर को 2 to 5 और रात को 9 बजे के बाद मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। तो what I used to do is I had identified कि अगर मैं दोपहर को कुछ शेड्यूल करूँगी भी ना तो भी मुझसे पढ़ाई नहीं होने वाली और मुझे सिर्फ नींद आने वाली है। So what I started doing was, रात को मैं 9 बजे सो जाती थी, सुबह 3 बजे उठती थी, because that worked out for me. तो मैं सुबह 3 से लेकर दोपहर को 2 बजे तक the least breaks लेती थी, और दोपहर को मैं जब unproductive हूँ ना तब पढ़ाई ही नहीं करती थी। उस टाइम पे नहाना, उस टाइम पे खाना, उस टाइम पे नैप लेना, उस टाइम पे फ्रेंड से बात करना, जो भी unproductive activities है वो मैं दोपहर को 2 से 5 करती थी। This increased my productivity क्योंकि मैंने उस टाइम पे पढ़ाई शेड्यूल ही नहीं की जब मैं लेजी फील करती हूँ। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द सेम। जब भी आप लेजी फील करते हो ड्यूरिंग द डे, जो भी आपका स्लॉट है जिस टाइम पे आप अनप्रोडक्टिव फील करते हो, डोंट शेड्यूल योर स्टडी टारगेट्स ड्यूरिंग दैट पॉइंट इन टाइम। ओके, सो डोंट गो बाय एनी पॉपुलर ओपिनियन कि सुबह उठ के ही पढ़ाई होती है या रात को ही पढ़ाई होती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पैटर्न एंड योर टाइम जोन, उस हिसाब से आपकी पढ़ाई आपको शेड्यूल करनी है। देख लेना लेजीनेस थोड़ी कम हो जाएगी। दोपहर 12 बजे। नो, डोंट गेट फूल्ड। पढ़ाई के लिए जरूर बैठी है, बुक जरूर सामने है, लेकिन दिमाग में कुछ ज्यादा घुस नहीं रहा है, दिमाग में कुछ कंज्यूम नहीं हो रहा है, बिकॉज अंदर से शी इज फीलिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टायर्ड। अभी आप सोचोगे यार इतनी तो पढ़ाई की नहीं सुबह से कि ये टायर्ड फील करे। नाउ हियर्स द कैच, यू नो व्हाट द साइकोलॉजी सेज, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। द मोमेंट यू आर सिटिंग इन एन आइडल स्टेट तब दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं, एंड फिर क्या होता है, हमेशा एक बात ध्यान में रखो, एक्शंस क्रिएट द एनर्जी एंड योर थॉट्स डिप्लीट द एनर्जी। तो इनके केस में यही हो रहा है, इनकी एनर्जी बस डिप्लीट हो रही है, बिकॉज इनके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। वॉट इफ आई फेल, वॉट इफ आई डोंट क्लियर, मैं तो लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हुई थी, मुझे एक नया टाइम टेबल बनाना है, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड ये एन नंबर ऑफ थॉट्स के वजह से एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बिकॉज इनके थॉट्स इनकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। नाउ वॉट कैन बी डन फॉर द सेम, ऑलवेज रिमेंबर एज आई टोल्ड यू, एक्शंस क्रिएट द एनर्जी, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि स्पीक अलाउड, रीड अलाउड, रिकॉर्ड योर वॉइस नोट्स, इंटरेक्ट विथ योर सेल्फ, मिरर के सामने जाके पढ़ाई करो, कैमरा ऑन कर लो और खुद को सिखा के पढ़ाई करो, घूम घूम के पढ़ाई करो, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज ये जो आपका ब्रेन है ना वो एक टाइम पे या तो एक्शंस पे फोकस करेगा या आपके थॉट्स पे फोकस करेगा। तो टू डिप्लीट दोज थॉट्स एंड टू नॉट लेट दोज थॉट्स डिप्लीट योर एनर्जी, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, देख लेना ये टायर्डनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। शाम 5 बजे। ओ हाय, रीसेंट अपडेट, मैडम ना खुद को 2 घंटे पहले कंसोल करके सोए हैं कि ऐसे नींद में पढ़ के क्या फायदा, उससे बेटर आधे घंटे का पावर नैप ले लेती हूँ, फिर एक फ्रेश माइंडसेट के साथ उठ के पढ़ाई करूंगी। तब से लेकर 2 घंटे हो चुके हैं, उठने का तो नामो निशान नहीं है। नो गाइज, ऐसे नहीं चलेगा, खुद को कंसोल करके, खुद को सिंपथाइज करके वी आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स।
always remember one thing. If you are strict with you, your results are going to be easy with you. And if you get easy with you, if you sympathize yourself, if you console yourself, your results are going to be difficult with you. So this is high time. Let's start being strict with ourselves. Let us start giving ourselves the emergency signals ki nahi boss, ab to padhna hi padega. This is the do or die attempt. Guys, aapne ek simple cheez observe ki hogi ki kal aapka exam hai, to ek din pehle apne ko neend to nahi aati hai. Apan to jee jaan laga ke jitna ban pade padhai karte hai. Start doing this. Start creating that emergency signal. In fact, I would say start testing yourself. Every single day, jo bhi main padh rahi hu, day end pe mujhe test dena hai. Usme mujhe maximum marks score karne hai. Now that is going to force you to study. Aap soch ke bhi dekhoge, to bhi aapko neend nahi aayegi. Guys, isiliye meri chapter wise test hai, portion wise test hai. Parso ek student came to me and she said, ki ma'am, jab se I have been giving these tests, maine last 2 mahine mein utni nahi padhai ki hai, jitni last 10 din mein padhai ki hai. To that's the impact. Jab bhi koi talwar latakti na sar pe, there is this sword hanging, apan automatically padhai karte hai. And guys, amazing features hai test series ke which are going to boost you to study more and more. Jaise ki अब जैसे आपके एडमिन पैनल पे लॉगिन करते हो, आपके सब पेपर्स, सब आंसर शीट, सब क्वेश्चन पेपर, सब सजेस्टेड आंसर्स एक ही जगह पे स्टोर्ड है. सो दैट जब आपको अक्टूबर मंथ, इफ यू वांट टू लुक बैक कि मेरी कहाँ पे गलतियां हो गई थी, यू कैन क्विकली चेक इन टू इट एंड क्विकली खुद की गलतियां रेक्टिफाई कर सकते हो. जैसे ही आप आपके एडमिन पैनल पे लॉगिन करते हो, आपको एक प्रोग्रेस बार दिखता है जहां पे आपको समझ में आता है कि आपने कितने परसेंटेज ऑफ टेस्ट दिए हैं और कितने परसेंटेज ऑफ टेस्ट देने बचे हैं. अभी अगर आपने मैक्सिमम टेस्ट दिए हैं, तो हमने एक नया फीचर लॉन्च किया है, लीडर फीचर. जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा टेस्ट दे रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो यू आर फॉलोइंग इन द टॉप 3 रैंक ऑफ दैट लीडर बोर्ड, जिस वजह से यू वुड बी ड्रिवन एंड मोटिवेटेड कि नहीं यार, मुझे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देनी है, सो दैट मैं वो लीडर बोर्ड के टॉप 3 रैंक्स में फॉल हो सकूं. एंड आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे. नेक्स्टली, आपके हर पेपर को हम रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर्स में फ्लैग कर रहे हैं. रेड और ऑरेंज स्टैंड्स फॉर अंडर परफॉर्म पेपर्स, जहां पे आपका स्लाइटली परफॉर्मेंस वीक है, सो दैट यू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि मेरी गलतियां कहां हो रही है, कौन से चैप्टर में मेरी गलती हो रही है. ऑल्सो हम आपको हर पेपर का असेसमेंट रिपोर्ट दे रहे हैं, जहां पे आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेस बताते हैं, एंड बेस्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, योर प्रेजेंटेशन, योर आंसर राइटिंग स्किल, आपके लैंग्वेज के हिसाब से हम आपको रेटिंग्स देते हैं, सो दैट आपको समझ में आए कि मुझे किसमें कितने रेटिंग्स मिल रहे हैं, यू कैन वर्क अपॉन इट अकॉर्डिंगली. तो हम आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस तो आपको बता ही रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और डीप डाइव करके और आपको डेप्थ में समझाने के लिए हमने एक नया फीचर लॉन्च किया है, दैट इज मिस्टेक हाइलाइटिंग सेशंस. यहां पे हर चैप्टर का, हर टेस्ट का, हर क्वेश्चन में बच्चे प्रिसाइसली कहां गलती कमिट कर रहे हैं, इस पे ये सेशंस हो रहे हैं. बहुत यूजफुल रह रहा है स्टूडेंट्स के लिए. यू कैन चेक आउट द रिव्यूज हियर. इसमें क्या है, अब आप खुद की गलतियों से तो सीखोगे ही सीखोगे, दूसरों की गलतियों से भी सीखोगे कि यार अच्छा, इस क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम हो गया, इस क्वेश्चन में लिमिट्स में कंफ्यूजन हो गया, या इस क्वेश्चन में फॉर्मूला गलत हो गया, कहां पे बच्चों ने स्पेसिफिक गलती कमिट की, इस सेशंस में डिस्कस हो रहा है. बहुत यूजफुल रहेगा आप लोग के लिए भी. तो जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल करवा लिया है टेस्ट सीरीज के लिए, उनको कोई एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे इसके लिए. और जो एनरोल करवाने वाले हो, एनरोल एएसएपी, बिकॉज जल्द ही प्राइस हाइक होने वाला है. ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है, बट इसमें इस पर्टिकुलर फीचर के लिए आई वुड रिक्वायर सर्टन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माय साइड. तो जल्द ही प्राइस हाइक होने वाला है. इफ यू वांट टू एनरोल, एनरोल एएसएपी. एक शेड्यूल बनाया है मैंने टेस्ट सीरीज का, वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, या आप अनशेड्यूल्ड फॉर्मेट में भी ये टेस्ट दे सकते हो. ऑल्सो आईसीएआर लेवल के पेपर सेट किए जाते हैं और चेक किए जाते हैं यहाँ पे, 2 से 3 दिन में आपको पेपर चेक करके मिल जाता है. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. आप टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा देते हो और उस वजह से पढ़ाई भी ज्यादा से ज्यादा होती है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट एंड इट्स सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू कर्ब योर लेजीनेस एंड टायर्डनेस फीलिंग, ये मेरी गारंटी है. शाम 7:30 बजे इनका ना अभी ब्रेक टाइम चल रहा है, और ब्रेक टाइम पे इनका फेवरेट पास टाइम है स्क्रॉल करना. फिर वो रैंडम इंस्टाग्राम पोस्ट्स हो, या रील्स हो, या नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज हो. क्या यार मैम, अभी हम फोन भी यूज नहीं करें. एक साइंटिफिक फैक्ट चेक बताती हूँ मैं आपको. आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा ये कि इवनिंग में 7-8 बजे के बाद अपने से पढ़ाई नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, कभी सोचा है? बिकॉज 7 o'clock, 8 o'clock, 9 बजे तक रात को आपकी आंखें पूरी स्ट्रेन्ड है. बिकॉज आपकी आंखें या तो बुक्स में है या तो फिर फोन पे है, और ये स्ट्रेनफुल आंखें फिर आपको पढ़ने नहीं देती है. ऑल्सो इसका एक
इफेक्ट हेल्थ इशू ऐसा है कि हेडेक शुरू हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इवनिंग में मुझे हेडेक हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ब्रेक्स में भी फोन और बचा हुआ टाइम अपने बुक्स तो है ही है। इस वजह से रात का वो 3-4 घंटे का आउटपुट नहीं निकल पाता, फिर वो नींद नहीं आती है, नेक्स्ट डे वापस टाइम पे नहीं उठ पाते, एंड दिस लेजीनेस साइकिल कंटिन्यूज। तो गाइस एक ही बात है, ब्रेक टाइम में आपकी आंखों को थोड़ी शांति दो, गो आउट, प्ले अ स्पोर्ट, डांस, एक्सरसाइज करो, जो भी है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर, यू नो, वो एनर्जी इंक्रीज होगी आपके अंदर, वो तो प्लस फैक्टर है ही है, और आपकी आंखें स्ट्रेन से बच जाएगी और वो टेंशन जो हो रहा है यहाँ पे वो कम हो जाएगा। तो जब भी ब्रेक्स लेना है, ये एक ओथ ले लो कि ब्रेक्स में मुझे फोन यूज नहीं करना है। खुद ऑब्जर्व करोगे द ड्रास्टिक चेंज इन योर एनर्जी लेवल्स। रात 10 बजे I know, sitting in the same four walls for months together, sirf books, padhai, classes, everything, it gets on our nerves sometimes. Bahut monotonous feel hota hai kabhi kabhi, natural hai. Lekin yaar, this is the process of studying for CA exams. So why not make it entertaining? Jaise ki change of place, 4 diwari mein mat baitho, involve yourself. Jaise ki padhai karte time, sunset dekhte dekhte padhai kar rahe ho, sunrise dekhte dekhte padhai kar rahe ho, terrace pe, balcony mein, society ke niche. Isse kya hoga na, aapke ब्रेन को एक फ्रेश सिग्नल जाएगा कि कुछ तो नया हुआ लाइफ में। जहां पे भी आप पढ़ाई को बैठते हो, मेक इट एंटरटेनिंग। जैसे कि मैं क्या बोलती हूँ काफी बार, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ रोल प्ले मेथड। खुद टीचर बन जाओ एंड आप सामने किसी को सिखा रहे हो, रोल प्ले मेथड शुरू करो, प्लेस चेंज करना शुरू करो, अच्छी अच्छी स्टेशनरी यूज करो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग दैट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं तो चार्ट्स लगाती थी और खुद की टीचर बन जाती थी और खुद को वो चार्ट से एक्सप्लेन करती थी। ब्लैक बोर्ड लगा लो रूम में, ब्लैक बोर्ड पे खुद के टीचर बन बन के खुद को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। एंटरटेन करो खुद को, खुद को एंटरटेन रखो, वो लेजीनेस कम हो जाती है और वो आलस जो है आपके अंदर वो कम हो जाता है, बिकॉज आपके ब्रेन को कुछ नया मिलेगा, तो दैट इज गोइंग टू 100% सपोर्ट यू एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर स्टडी टारगेट्स फॉर श्योर। तो गाइज आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आई एम गोइंग टू अप्लाई एवरी सिंगल थिंग विच यू टोल्ड इन द वीडियो, और आपको सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा रिलेटेबल लगा मुझे 100% कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। एंड येस, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम लेजीनेस। लेजीनेस जैसी छोटी सी चीज के वजह से अपना ये गोल्डन अटेम्प्ट स्टेक पे नहीं जाना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस गाइस टाइम टू टाइम इस चैनल पे आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना, बिकॉज टाइम टू टाइम मैं आपको मोटिवेट करती रहूंगी, गाइड करती रहूंगी, स्टडी प्लान्स देती रहूंगी, एवरीथिंग विच यू वुड नीड टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो अगर लेजी फील हो रहा है एंड अगर आपका एग्जामिनेशन November 23 में है या फाउंडेशन का एग्जामिनेशन December 23 में है एंड यू वॉन्ट वन इंस्टेंट सोल्यूशन जिससे आपका लेजीनेस भाग जाए, तो अनअकैडमी पे उनका एक स्पेशल लर्निंग वीक चल रहा है जो 31st अगस्त तक है, जहां पे एमसीक्यू टेस्ट लिए जा रहे हैं, जहां पे डाउट सॉल्विंग किया जा रहा है, जहां पे यू कैन लाइव इंटरैक्ट विद द फैकल्टीज, जहां पे क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस की जा रही है, जहां पे क्वेश्चन पेपर्स के डिस्कशंस किए जा रहे हैं। तो आपको एक हेडगो चाहिए, एक पुशअप चाहिए, एक फ्लो चाहिए पढ़ाई का, तो दिस स्पेशल लर्निंग वीक इज सर्टनली गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज एग्जाम्स को हार्डली कुछ टाइम बचा है। सर्टनली ये वाला जो वीक है इनफैक्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, PDF शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जहां पे पूरा आपको डिटेल में पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा कि कब क्या कंडक्ट होने वाला है। यू कैन सर्टनली गो, टॉप एजुकेटर्स ये लर्निंग वीक कंडक्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ऑल्सो अगर आप May 24 में एग्जामिनेशन दे रहे हो, नए कोर्स में एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो नए कोर्स के हिसाब से, पूरे नए कोर्स के हिसाब से बैचेस बिगिन हो चुकी है फॉर द May 24 स्टूडेंट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। Amazing benefits hai. Unacademy is a one-stop solution for all your coaching needs, live interactive classes, doubt solving sessions, ek hi subscription mein fast track marathons, everything without paying a penny extra. Just use this code RCH10 and you would be able to avail the maximum discount. I will see you super soon. Wish you all the best, Tara.